हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त इसरार और आप देखना शुरू कर चुके हैं इसरार ए टू जेड। दोस्तों जैसा सभी को पता होगा कि मैं आपको इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ रोज़गार के बारे में बताता हूं, नौकरी के बारे में बताता हूं। लेकिन नौकरी मिलता कैसे है? डिग्री से। और डिग्रियाँ कैसे मिलती है? कॉलेजेस से। कॉलेज जाना, डिग्री लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपको एक अच्छे पोस्ट के लिए एक अच्छी सैलरी आपको मिल सकती है। अभी इस समय हम मौजूद हैं लेवरिन टेक स्किल यूनिवर्सिटी पंजाब के ऊपर हम बातचीत करेंगे। सर हमारे साथ मौजूद हैं, इनका सबसे बड़ा बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ, स्वागत करता हूँ सर आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद धन्यवाद सर। अगर हम बात करें एज ए ईफोर्स, हमने आपके साथ वीडियो बनाई, एज ए ये लेवरिन टेक स्किल्स है, दोनों में डिफरेंट क्या है सर? देखिए ईफोर्स जो है लेवरिन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी की नॉलेज पार्टनर है और ईफोर्स के पास ये जिम्मेदारी है कि जो लेवरिन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी के जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, जो उनके प्लेसमेंट ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, जो बच्चों को मदद कर रहे हैं पढ़ने के लिए, अपनी ग्रेजुएशन डिग्री करने के लिए, मास्टर्स डिग्री करने के लिए, उसको भारत के कोने कोने तक लेकर जाएं। अभी तक हमारे पास करीब 20 स्टेट का बच्चा कैंपस में पढ़ रहा है, भारत के दूर दूर से हमारे थ्रू कैंपस में पहुँचा है वहाँ पर, और वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है वहाँ की पढ़ाई को लेके, वहाँ के एनवायरनमेंट को लेके, वहाँ की चीज़ों को लेके। और इस साल हम लगभग 5000 बच्चे पूरे हिंदुस्तान से वहाँ पढ़ने के लिए लेवरिन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी पंजाब में आएंगे, और उसमें हम लोग पूरे भारत के कोने कोने में जाकर कैंप लगा रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हमारे क्या प्रोग्राम्स हैं, और हमें बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि हम लोग जॉब की बात करते हैं, हम लोग पे आफ्टर प्लेसमेंट की बात करते हैं कि आप फीस जो है प्लेसमेंट के बाद दीजिए, उस तरह के कोर्सेज हम लोग बात करते हैं। पहली बार मैंने ऐसी एज ए फर्म देखी है, एज ए कंपनी देखी है जो जॉब की भी गारंटी लेता है, ये काफ़ी अच्छा लगा। अब तक जो कॉलेजेस होती थी वो कहती थी सर हमारे यहाँ आके पढ़ो आप, लेकिन यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ आपको जॉब की फुल गारंटी है कि भाई जॉब यहाँ से आपको मिलने वाला है। देखिए क्या होता है, जॉब लगता कैसे है? जॉब लगता है स्किल से। अगर हम देखें पान की दुकान से लेके पार्लियामेंट तक, पिछले 70-80 साल से हर आदमी ये बात कर रहा है कि भाई हमारा जो ग्रेजुएट है वो अनएम्प्लॉयबल है, बट उस बात का सॉल्यूशन क्या है? उस बात का सॉल्यूशन ये है कि जो भी कैंडिडेट है, जो भी वो अगर पढ़ाई कर रहा है, तो उसको इंडस्ट्री के लोग पढ़ाएं, इंडस्ट्री के साथ मिलके वो पढ़ाई करें, इंडस्ट्री में जो लेटेस्ट करिकुलम है उसके हिसाब से पढ़ाई करें, इंडस्ट्री में के साथ इंटर्नशिप करें, ट्रेनिंग प्रोग्राम करें। तो अभी 2 साल पहले 3 साल पहले भारत में नई शिक्षा नीति शुरू हो गया, तो नई शिक्षा नीति में सरकार ने अलाउ कर दिया कि आप जो डिग्री प्रोग्राम है उनको इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करो, इंडस्ट्री के साथ उनका करिकुलम डिज़ाइन कराओ, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को बुलाओ पढ़ाने के लिए, और इंडस्ट्री के साथ इंटर्नशिप, उनका ऑन जॉब ट्रेनिंग वो कराओ। तो हमारे यहाँ जैसे इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है या कोई भी प्रोग्राम है XYZ, तो उसमें 1/3 जो है इंडस्ट्री के लोग पढ़ाएंगे, 1/3 यूनिवर्सिटी के लोग पढ़ाएंगे, और 1/3 बच्चा इंडस्ट्री के साथ प्रोजेक्ट करेगा, इंटर्नशिप करेगा, ट्रेनिंग करेगा। तो जिससे जब उसकी वो कंप्लीट होगी डिग्री, तो उसके पास लगभग इंडस्ट्री का एक्सपोजर होगा, और जब इंडस्ट्री का एक्सपोजर होगा तो उसका जॉब लगेगा। तो जॉब लगने का ये तरीका ही है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। नहीं तो बच्चा क्या होता है, ग्रेजुएट होता है, उसके बाद वो 2-3 साल इधर उधर ट्राई करता है, ट्राई करके फिर वो जॉब में जाता है। यहाँ पर वो जो उसको बाहर जाके ट्राई करना था वो अंदर ही हो गया, पढ़ते टाइम ही उसको इंडस्ट्री में मिल गया। अगर हम बात करें जो कॉलेज है कहाँ पे है, किस लोकेशन पे? ये जी चंडीगढ़ से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है और रोपड़ जगह है, हमारे नियर बाई IIT रोपड़ है, 4 किलोमीटर पे। रोपड़ में मेट्रो, रोपड़ में स्टेशन भी अवेलेबल है, काफ़ी ट्रेनें वहाँ रुकती हैं, तो बच्चा इजीली हमारे यहाँ पहुँच सकता है। नहीं तो चंडीगढ़ से ओनली 40 किलोमीटर है, वहाँ से बस मिल जाती है डायरेक्ट, जो हमारे कैंपस पर उतारती है। मान लीजिए जो स्टडी करना चाहते हैं वो डायरेक्ट यहाँ भी तो जा सकते हैं, आपसे क्यों करेंगे, इसका क्या बेनिफिट्स होने वाला है आपके थ्रू करने से? देखिए हमारे थ्रू कुछ नहीं है, हम लोग पार्टनर ही हैं इसमें, तो हम लोग पूरा अवेयरनेस हम लोग कर रहे हैं। आप डायरेक्ट भी करेंगे तभी भी वो हमारे थ्रू ही प्रोसेस होगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है कि हमारे थ्रू करना क्या? पैसे भी तो कम है। हाँ पैसे बहुत कम है, जैसे इंजीनियरिंग का हमारा प्रोग्राम है, तो इंजीनियरिंग का प्रोग्राम हमारा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल 30,000 रुपये सेमेस्टर से शुरू है, जिसमें हम लोग 100% जॉब का आपको बात कर रहे हैं, और जॉब लगने के बाद आपको 2,40,000 रुपये पे करना है, और वो भी आसान किस्तों में, मंथली किस्तों में 8,000 के हिसाब से 30 किस्तों में आपको पे करना है। अगर आप कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे तो हम लोग 37,500 हमारा फीस है साल का, सेमेस्टर का, साल का 75,000, टोटल फीस 3,00,000 रुपये है, और 3,00,000 आपको प्लेसमेंट के बाद देना है। आप किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में आज की डेट में जाते हैं तो आपका 8,00,000 से 12,00,000 रुपये फीस होता है, और ROI का कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आपका जॉब लगेगा नहीं लगेगा। यहाँ पे आपको केवल 3,00,000 दिया आपने, आपका डिग्री कंप्लीट हो गया, और अगर आपका मिनिमम 4,00,000 से ज़्यादा का अगर जॉब लगा तब आपको 3,00,000 और पे करना है, वो भी आसान किस्तों में, 10,000 की आपको 30 किस्तों में वो पे करना है पैसा। ये कितने साल की होती है?
इंजीनियरिंग तो 4 साल की होती है, इंजीनियरिंग के अलावा हमारे पास BBA का कोर्स है, BCA का कोर्स है, वो 3 साल के डिग्री प्रोग्राम्स हैं, और उसके अलावा हमारे पास होटल मैनेजमेंट का कोर्स है जो लर्न एंड अर्न में है, जहाँ पे बच्चा 1 साल पढ़ाई करेगा कैंपस में और 2 साल इंडस्ट्री में काम करेगा। तो प्रोग्राम की फीस 1,80,000 है और लगभग वो 2.5 से 3 लाख रुपये पढ़ते पढ़ते ही कमा लेगा, तो उसका लगभग होटल मैनेजमेंट फ्री में हो जाना है। तो इस तरह के हमारे पास पैरामेडिकल के भी कोर्सेज हैं, आपके 40 से ज़्यादा अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल हैं यूनिवर्सिटी। काफ़ी अच्छा लगा कि मतलब हमें स्टडी के साथ साथ एक अच्छा सुनहरा भी मौका मिल रहा है कि हम अच्छा जॉब भी पा सकें। सर, जो प्लेसमेंट होगा ये आपके थ्रू ही होगा? जी, जब ही हमने देखिए, आप सोचिए 3 लाख रुपये हमारा प्लेसमेंट पर लगा हुआ है, तो हमारे जो प्रोग्राम में जो इंडस्ट्री आएगी, जो कंपनी आएगी वो पढ़ाएगी, तो उसको भी पैसा जो है प्लेसमेंट के बाद मिलेगा, कुछ पैसा यूनिवर्सिटी को भी पैसा प्लेसमेंट के बाद मिलेगा। तो सब लोग बच्चे के साथ मेहनत करेंगे कि भाई आपको प्लेस होना है, क्योंकि एक पैसा जो है उस पर इन्वॉल्व है, उस प्लेसमेंट पे एक मनी इन्वॉल्व है और एक बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व है, तो उसके लिए सब लोग मेहनत करेंगे। कोई भी एक दूसरे को ब्लेम नहीं करेगा कि तुमने पढ़ाई नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुम्हारा इसलिए प्लेसमेंट नहीं हो रहा। सब लोग बच्चे को मिला के, बच्चे को तो देखो कैरियर बनाना है तो वो तो मेहनत करता ही है, पर उसको डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, उसको बहुत बार गाइडेंस की ज़रूरत होती है। वो नहीं जा पाता, इतना 4 साल का कोर्स होता है, बच्चा भटक जाता है बीच में, तो उसको पकड़ के दोबारा से रिकाउंसलिंग की ज़रूरत होती है। कोई उसको स्पेशलाइज ट्रेनिंग कराना है, कोई उसको हमें किसी तरह का इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्ट करना है, वो सब हम कराएंगे, जिससे हमारा अधिकतर बच्चा प्लेस हो, क्योंकि हमारा भी एक बड़ा अमाउंट जो है वो प्लेसमेंट पे लिंक्ड है। सर, अगर हम बात करें जॉब के नाम पे, अभी अगर मतलब 1,000 रुपये देता है ना, तो भी वो कितनी बार सोचता है, समझ रहे हैं? आजकल इतना ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं कि हम क्या ही बताएं। 100 रुपये देने के लिए भी सोचना पड़ रहा है कि यार पता नहीं इसका सक्सेस, इसका सफलता होगा नहीं होगा, क्या हो सकता है, स्कैम ना हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में अगर वो आते हैं, या तो फिर अगर वो पढ़ना चाहते हैं यूनिवर्सिटी से, अगर 1.5 लाख 2 लाख बहुत बड़ी रकम होती है छोटे कस्बे, छोटे गांव या छोटे फैमिली के लोगों का, तो ऐसे कंडीशन में कैसे बिलीव कर लें कि हाँ बिल्कुल परफेक्ट है? बहुत सारी चीज़ें होती है माइंड में। देखिए क्या होता है कि डिग्री प्रोग्राम जो है उसकी कॉस्ट तो आपको पता ही है, सबको पता है। हमारा जो यूनिवर्सिटी है वो UGC अप्रूव्ड है, 100 एकड़ का हमारा कैंपस है, हम लोग इंडिया के टॉप इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं, NSDC के साथ हमारा कोलैबोरेशन है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ। उसके अलावा जो है, अगर आप आएंगे वहाँ देखेंगे बच्चे जो पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, उनसे आप मिलिए, उनसे समझिए कि भाई आपकी पढ़ाई का लेवल किस लेवल का है, तो 1 साल के अंदर अंदर बच्चे में ड्रास्टिक चेंज आ गया। जो बच्चा गांव से आया था वो 1 साल में ही आज एम्प्लॉयबिलिटी की बात कर रहा है, 1 साल में ही वो कह रहा है कि मैं तैयार हूँ जी, मुझे जॉब कराइए। स्टडी के बाद, स्टडी के बाद कितने लोगों को आपने प्लेसमेंट कराया है, किस किस लोकेशन पे कराया? देखिए हमारे अभी जो प्लेसमेंट्स हैं, जो हमारा प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उसमें जो हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं वो सब लोग एक्सपीरियंस ट्रेनिंग पार्टनर हैं, और वो सब लोग करीब 10,000-12,000 लोगों को जॉब लगवा चुके हैं, उन्हीं को हमने अपने साथ एम्पैनल किया है, जिससे कि वो बच्चा जब डिग्री करेगा तो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट उसको पढ़ाएंगे, और ऐसे लोगों को हम बुला रहे हैं जो ऑलरेडी प्लेसमेंट करा चुके हैं, तो वो सब लोग हमारे साथ लिंक्ड हैं, वो भी मोटिवेट हो सके और दोनों का, और उनको भी पैसा तभी मिलेगा जब बच्चा प्लेस होगा, तो उनका पेमेंट भी प्लेसमेंट पर ही लिंक्ड है। स्टार्टिंग सैलरी क्या उनकी होती है नॉर्मली, अगर हम बात करें जैसे कि इंजीनियरिंग जो नॉर्मल प्रोग्राम है, BBA BCA के प्रोग्राम है, वहाँ पर हम लोग मिनिमम 3 लाख का पैकेज की बात करते हैं, और अगर हम लोग इंजीनियरिंग की बात करें तो 4 लाख की बात करते हैं कि 4 लाख का मिनिमम पैकेज लगेगा, हाईएस्ट तो 15 लाख 20 लाख तक भी जा सकता है, बच्चे के कैलिबर के ऊपर है, पर मिनिमम एक उसको हम लोग कॉर्पोरेट में एंट्री करा देंगे, उसका कैरियर शुरू करा देंगे, वो हमारा जिम्मेदारी है। सर, ये तो काफ़ी बेस्ट होने वाला है, क्योंकि अगर अदर यूनिवर्सिटी से हम करते हैं NCA या BCA या तो BTech का कोर्स करते हैं, तो काफ़ी अच्छी मोटी रकम देनी पड़ती है हमें, लेकिन यहाँ पे तो हाफ ही देना पड़ेगा। देखिए हमारा क्या है कि यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट से भी सपोर्टेड है, और हमारा यूनिवर्सिटी का जो लक्ष्य है वो है क्लास फॉर मासेस, हमें मास को पढ़ाना है, ऐसा नहीं कि कुछ एक चुनिंदा लोगों को पढ़ा के हम लोग उनको नौकरी लगाएं। ऐसी तो हिंदुस्तान में हज़ारों यूनिवर्सिटी हैं, 1300 से ज़्यादा हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटी हैं और 15,000 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं, और उसमें हम लोग एक यूनिक स्टैंड आउट कर रहे हैं। हमारे पास हिंदुस्तान के हर कोने से क्वेरी आ रही है, हर कोने से क्वेश्चन आ रहा है कि भाई आप इस तरह के प्रोग्राम चला रहे हैं, हमारे पास हर जगह से एडमिशन आ रहा है, तो वो इसलिए यह केवल क्योंकि हम लोग एक आउटकम की बात कर रहे हैं कि भाई एजुकेशन हैज़ टू बी आउटकम बेस्ड,
कि उसका आउटकम क्या निकला, उसका आउटकम बच्चे के लिए तो नौकरी है ना, और वो भाई पैसा लगा रहा है, सब कुछ लगा रहा है। तो वो बच्चे जो एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते पर वो पढ़ना चाहते हैं, उनकी इच्छा है पढ़ने की, हम यहाँ पर जो भी फीस है हमारी उसके लिए लोन की सुविधा भी प्रोवाइड करते हैं, बच्चों को अगर लोन चाहिए तो उसमें भी हम लोग मदद करते हैं, और उसको हम लोग लिंक करके एजुकेशन को जॉब के साथ लिंक करके हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसमेंट की तरफ ले आ रहे हैं। एडमिशन करने के लिए मान लीजिए अगर जो बंदे इंटरेस्टेड हैं एडमिशन लेना चाहते हैं तो प्रोसेस क्या है इसका? तो मैं आपको एक लिंक और फ़ोन नंबर प्रोवाइड करूंगा, आप उस लिंक और फ़ोन नंबर को अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए और बता दीजिए, तो जिससे हम लोग बच्चे वहाँ उस फ़ोन पे या लिंक पे अप्लाई करके एडमिशन का प्रोसेस कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और सर का इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। जैसा कि इस समय हम मौजूद हैं लैमरिन टेक स्किल यूनिवर्सिटी पंजाब को लेके, और काफ़ी एक अच्छा सुनहरा मौका आप सभी के लिए आने वाला है, कम पैसे में एक अच्छा आपको डिग्री मिलने वाला, साथ ही साथ प्लेसमेंट भी आपकी होने की फुल गारंटी है। तो जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं या क्वेरीज है, इंक्वायरी है, कोई भी अमाउंट है आपके माइंड में, अगर डाउट्स है तो उसको क्लियर करने के लिए कुछ बोलना है? यूनिवर्सिटी की साइट पे जा सकते हैं आप ltsu.ac.in, और बाकी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक और फॉर्म है उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए लिंक आप चेक कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, एक नई नौकरी के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ। रखिएगा अपना ख्याल, नई वीडियो के लिए तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।